हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षा मित्र में। और मैं हूं गौतम। और आज की क्लास में बेटा, जैसा कि हम कुछ करने जा रहे हैं स्टैटिक्स के क्वेश्चंस, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ। अब जैसा कि पीछे हम लोग पढ़ चुके थे या कर चुके थे कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू पार्ट वन में, और आज की क्लास में करेंगे बेटा एमसीक्यू पार्ट टू। तो आ जाइए, पहले बताइए मेरी आवाज़ अभी तक पहुंच रही है, वीडियो एंड आवाज़ क्लियर है? तो आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है बेटे? तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास। और आज की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 19। तो जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में अपने 18 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके थे, तो आज की क्लास में बेटा हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। और 19 क्वेश्चन क्या कहता है? आज स्टडी इन स्टैटिस्टिक्स, आज स्टडी इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी। स्टडी इन स्टैटिस्टिक्स दैट हेल्प इन इंटरप्रेट द वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा इज नोन एज। सांख्यिकी में अध्ययन आंकड़ों की परिवर्तनशीलता की व्याख्या करने में हम उसका यूज करते हैं, वो मानक विचलन है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, या फिर बेटा हमारे पास थर्ड ऑप्शन है मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, या नन ऑफ द अबव। मानक विचलन, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, परिक्षेपण के माप, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। गुड इवनिंग सपना जी, कैसे हैं बड़ा आप सभी? आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। तो यहां पर बेटा बात करें कि अगर वेरिएबिलिटी की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? वेरिएबिलिटी की बात की जा रही है, या फिर आप इसे बोलें कि परिवर्तनशीलता की बात की जा रही है, तो इस केस में हम बात करते हैं बेटा परिक्षेपण के माप की। किसकी बात करते हैं? परिक्षेपण के माप की, मेजर ऑफ डिस्पर्सन की, परिक्षेपण के माप। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है? वेरी गुड कॉमर सब जी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बेटा आंसर है क्या? यहाँ पे 19 का आंसर है हमारे लिए परिक्षेपण के माप। डन, क्लियर है बात यहां तक? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 की, विच ऑफ द मेजर आर यूज्ड टू कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू और मोर डाटा सेट। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोफिशेंट ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, या फिर इनमें से कोई नहीं। परिक्षेपण के माप, परिक्षेपण के सापेक्ष माप, परिक्षेपण का गुणांक, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बेटा, हम बात करें मेजर ऑफ डिस्पर्जन की, तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव की जब बात की जाती है, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालना है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन रिलेटिव होता है या फिर बेटा क्या होता है आपका, सापेक्ष होता है या निरपेक्ष होता है? सापेक्ष होता है या फिर क्या होता है बेटा? निरपेक्ष होता है। ठीक है, तो जब भी रिलेटिव मेजर की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? रिलेटिव मेजर्स की। तो रिलेटिव मेजर में बात करते हैं बेटा हम किसकी? मेजर ऑफ डिस्पर्जन की। किसकी बात करते हैं? मेजर ऑफ डिस्पर्जन की। एब्सोल्यूट की बात यहाँ पे हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिलेटिव मेजर। ये कैसा मेजर है बेटा? एक रिलेटिव मेजर है, एब्सोल्यूट मेजर नहीं है। जब एब्सोल्यूट मेजर की बात की जाएगी तो वहां पर आपका क्या होगा? वहां पे होगा आपका सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है,
तो रिलेटिव मेजर में हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात कर सकते हैं, यानी कि परिक्षेपण के सापेक्ष माप, परिक्षेपण के सापेक्ष माप। धन्यवाद। तो यहाँ पे किसकी बात की जाती है बेटा? रिलेटिव मेजर्स की बात की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? 2। आइए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 21। इन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन द स्क्वायर ऑफ वेरिएशन इज नोन एज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे स्क्वायर रूट की बात करिए बेटा। अब वेरिएशन में जो स्क्वायर रूट होते हैं, वेरिएशन में जो स्क्वायर रूट होते हैं वो किस में आते हैं? मीन डेविएशन में, क्वार्टाइल डेविएशन में, ठीक है, या वेरियांस में, या फिर आप किसकी बात करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन की, यानी कि मानक विचलन, प्रसरण, चतुर्थक या फिर माध्य विचलन, इन चारों में से आप किसकी बात करेंगे अगर हम बात करें किसकी? विचलन के वर्गमूल की। तो जैसे कि बट हम बात करते हैं मीन डेविएशन में, तो मीन डेविएशन में आप सिग्मा अपॉन में क्या कर देते हैं? एन कर देते हैं, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? क्वार्टाइल डेविएशन का क्यू डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं Q3 माइनस Q1 अपॉन में क्या लिखते हैं बेटा? 2। तो QD का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। क्लियर है बात? वेरियंस में भी बेटा हम क्या करते हैं? रूट का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का 4। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, और स्मॉल एक्स को बेटा आप क्या बोलते हैं? स्मॉल एक्स को हम बोलते हैं एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। x माइनस एक्स बार, यानी कि एक तरीके से क्या शो कर रहा है आप लोगों को? आप लोगों को ये बता रहा है बेटा क्या? विचलन। क्या बता रहा है बेटा? ये विचलन बता रहा है, ठीक है जी। डन है बात? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मानक विचलन, ठीक है। डन है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22। क्वेश्चन नंबर 22 तो कहता है विच ऑफ दीज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम गिवन वैल्यूज इन डाटा सेट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर बोलेंगे क्या इसको बेटा? ऑल ऑफ दीज। क्या बोले? ऑल ऑफ दीज। इसमें से कौन सा हमारा जो है मानक विचलन है, परास है, क्या है? चलिए तो यहां पे बेटा सिंपल सा आंसर क्या होगा? रेंज। क्या होगा? रेंज, ठीक है बेटा। तो रेंज में हम क्या करते हैं? हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू लेते हैं। वेरी गुड जी, कॉमन सब जी। हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, एच माइनस एल। और अगर बेटा आपको इसका क्या निकालना है? कोफिशियंट। क्या निकालना है? कोफिशियंट। तो आप क्या बोलेंगे? हायर माइनस लोअर, और एच प्लस एल, हायर लिमिट और अपर लिमिट और लोअर लिमिट की यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है जी। तो कोफिशियंट में आप इसका एच माइनस एल अपॉन में एच प्लस एल करते हैं, और रेंज निकालने के लिए हाइस्ट में से आप क्या करते हैं? लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं, ठीक है। वेरी गुड सब्बास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन सीरीज, ठीक है। एब्सोल्यूट डेविएशन सीरीज जो है हमारे पास, इसका किसी श्रेणी के निरपेक्ष विचलन के अंकगणितीय औसत को आप क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, या फिर आप बोलेंगे बेटा से क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि माध्य विचलन गुणांक, माध्य विचलन, चतुर्थक विचलन, या फिर मानक विचलन, यानी कि अर्थमेटिक एवरेज। तो एब्सोल्यूट का डेविएशन पूछ रहा है ये। एब्सोल्यूट इसमें से कौन सा है? मीन है, मीन डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो यहाँ पे बेटा आपका आंसर होगा मीन डेविएशन। क्या होगा बेटा? माध्य विचलन, माध्य विचलन।
ठीक है जी, चलिए बेटा, अर्थमेटिक एवरेज पूछा है इसने, एवरेज। तो एवरेज को हम क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माध्य। और उस माध्य का जो कह रहा है ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है, एब्सोल्यूट डेविएशन सीरीज को बोल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्या बेटा, माध्य विचलन बोले। ठीक है, डन है बात। चलिए बेटा, माध्य विचलन है ना, माध्य में एवरेज मैंने बताया ना, अर्थमेटिक क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक है, और यहाँ पे उसने क्या बोला, एब्सोल्यूट डेविएशन। अगर वो बोलता है यहाँ पे क्या, रिलेटिव डेविएशन। क्या बोलता है बेटा, रिलेटिव डेविएशन, तो वैल्यू वहां पे क्या होती, चेंज हो जाती। ठीक है, फिर आप किसकी बात करते हैं वहां पे, रिलेशन की बात करते हो। रिलेशन की जब बात करोगे तो क्या आता है वहां पे आंसर आपका, कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, अगर रिलेटिव की बात करता तो फिर वहां पे क्या आता, कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन। तो दो चीजें हैं, अगर एब्सोल्यूट की बात करें, किसकी बात करें बेटा, एब्सोल्यूट की बात करें, तो आप क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे होगा क्या, मीन डेविएशन। अगर वो रिलेटिव मेजर पूछता, क्या पूछता, रिलेटिव मेजर, तो आपका आंसर होता कॉफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है जी शुक्ला जी, सही बात है यहां तक बेटा। अगर एब्सोल्यूट की बात करेगा तो मीन डेविएशन, और अगर वो बात करता है रिलेटिव की, तो आप क्या बोलेंगे, कॉफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन। चलिए चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर आ गया है आपके पास 24। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या रहा है, आर द वेरिएशन प्रेजेंट इन यूनिट वेरिएबल प्रेजेंट एंड डिफरेंशियल मेथड। ठीक है, आर द वेरिएशन प्रेजेंट इन द यूनिट ऑफ वेरिएबल रिप्रेजेंट बाय विच डिस्पर्जन मेथड। क्या चर की इकाई में मौजूद विचरण एवं किसी पक्ष की विधि द्वारा निरूपित की जाती है। विचरण का गुणांक रिलेटिव में, देखो दोबारा आ गया, रिलेटिव मेजर, एब्सोल्यूट मेजर, या फिर मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब यहां पे आपको डिसाइड करना है कि एब्सोल्यूट है जी। प्रमोद जी, आज मैंने बहुत दिनों बाद क्लास हुई है, ठीक है, तो अब थोड़ा सा प्रोसीजर बनाएंगे नेक्स्ट डेली डेली क्लास का। तो स्टैटिक्स की क्लास काफ़ी दिनों से नहीं हुई थी, इसलिए मैं स्टैटिक्स का लेके आया। तो अकाउंट्स की क्लास और इकोनॉमिक्स की बहुत सारी क्लासेस आपको बहुत जल्द मिलेंगी। ठीक है, कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से थोड़ा सा नहीं हो पा रही थी क्लास। डन, चलिए। तो यहाँ पे होगा बेटा एब्सोल्यूट मेजर, और एब्सोल्यूट और रिलेटिव के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एब्सोल्यूट मेजर आएगा। क्या आएगा, द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्जन द मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैन नेवर बी पॉजिटिव, जीरो, इक्वल और नेगेटिव। पॉजिटिव, जीरो, इक्वल और नेगेटिव, क्या नहीं हो सकता है बेटा इसमें से। सकारात्मक, शून्य, बराबर या नेगेटिव, क्या नहीं हो सकता ये। अब आपने देखा होगा बेटा, जब हम रिलेटिव मेजर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रिलेटिव मेजर की बात करते हैं, तो रिलेटिव मेजर की वैल्यू क्या आती है, 0 से 1 के बीच में आती है। ठीक है, कोई चीज़ क्या होगी, 0.1% से लेके 100% तक होगी बेटा, कितनी होगी, परसेंट तक। तो इन दिस केस आपकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कहाँ तक आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, 0 से 1 के बीच में आ सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगी। ठीक है, नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। तो ध्यान रखना, मेजर ऑफ डिस्पर्जन आप जब करते हैं तो वैल्यू कभी भी 0 नहीं आती। ठीक है, नेगेटिव में कभी वैल्यू नहीं जाएगी। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 26।
वही क्वेश्चंस हैं और रिवीजन आपके साथ साथ हो रही है इसमें कि इन एब्सोल्यूट मेजर, देखो किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज क्या रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव या कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए जीरो रहेगा, नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या कुछ भी नहीं, नन ऑफ द अबव, एब्सोल्यूट मेजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है जी, तो यहां पे क्या होगा बेटा, इस हमेशा क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा आपकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं जाएगी, जीरो और वन के बीच में रहती है तो क्या रहेगी, पॉजिटिव। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑन विच चेंज द वेरिएशन ऑफ डाटा, ऑन विच चेंज ऑफ द वेरिएशन ऑफ डाटा इज इंडिपेंडेंट, तो ये वेरियांस की बात कर रहा है बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, वेरियांस की, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है उसको आप क्या बोलते हैं, वेरियांस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरियांस, ठीक है जी। तो अब ये वेरियांस है तो वेरियांस इंडिपेंडेंट रहेगा ओरिजिन स्केल पे, ओरिजिन पे या स्केल पे, ठीक है, विच पे, तो बेटा देखो ओरिजिन का मतलब होता है, ओरिजिन का मतलब होता है कि डेटा में हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस, ठीक है। और अगर स्केल की बात करें तो स्केल में होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो अगर कोई डेटा है और उस डेटा में वैल्यूज आप प्लस माइनस कर रहे हो तो ये उस पर चेंज होगा या मल्टीप्लाई और डिवाइड पे चेंज होगा या नहीं होगा, तो एक इस पे इंडिपेंडेंट रहता है, ओरिजिन पे या स्केल पे, इसका आंसर देना है हमें। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट होगा बेटा किस पे, इंडिपेंडेंट होगा ओनली ओरिजिन पे, ठीक है, स्केल पे नहीं होगा, ठीक, इट इज इंडिपेंडेंट ओनली ऑन ओरिजिन नॉट स्केल, ठीक। चलिए नेम द ग्राफिकल मेथड विच हेल्प अस टू इन्वेस्टिगेट डिस्पर्जन, जो हमें डिस्पर्जन निकालने में मदद करता है, ठीक है। और डिस्पर्जन का मतलब सपोज है ना, परिक्षेपण होता है, क्या होता है, परिक्षेपण के माप हम पढ़ते हैं, और परिक्षेपण के माप जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये ग्राफिकल मेथड कौन सा काम आएगा, यहाँ पे मीन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर लॉरेंस कर्व मेथड, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कर्व का एक ही नाम है और वो सिंपल सा नाम क्या है, लॉरेंस कर्व मेथड, कौन सा बेटा, लॉरेंस कर्व मेथड। चलिए कुछ क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं, इजी हैं, फटाफट हो जाते हैं, आइए। इन डिस्पर्जन स्टडी, इन डिस्पर्जन स्टडी द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज एक्सप्रेस बाय क्वार्टाइल्स, परसेंटेज, नंबर या फिर सेम यूनिट। अब देखो यहाँ पे रिलेटिव मेजर की बात कर रहा है, ध्यान रखना रिलेटिव मेजर, और उसमें क्या हो? देखो बेटा अगर मैं मीन डेविएशन निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन, क्या निकालता हूँ, अगर मैं माध्य विचलन निकालता हूँ तो ये एब्सोल्यूट है, क्या है बेटा, एब्सोल्यूट। और अगर मैं इसका कोएफिशिएंट निकालता हूँ, कोएफिशिएंट निकाल देता हूँ, तो वो कोएफिशिएंट क्या है इसका, रिलेटिव मेजर है। अब जो मैंने वैल्यू बोली इसकी वैल्यू कहाँ आती है, जीरो से वन, और अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन में क्या बात करी थी, इससे पहले हमने बात करी थी कि परसेंटेज की, तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन में आपको परसेंटेज नज़र आ रहे हैं, इस क्वेश्चन में कहीं आपको परसेंटेज नज़र आ रहा है, क्वार्टाइल, परसेंटेज, नंबर यूनिट, सेम यूनिट, हाँ सर परसेंटेज कहीं ना कहीं तो हमें नजर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परसेंटेज, तो करेक्ट आंसर इज परसेंटेज, ठीक है बेटा, धन्यवाद। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल व्हेन द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 104 और क्वार्टाइल डेविएशन इज 8। तीसरे चतुर्थक का मान ज्ञात कीजिए जब प्रथम चतुर्थक 104 है और दूसरा विचलन उसका कितना है बेटा 8, उसका मानक विचलन कितना है 8 है और फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू 104 है। तो सर क्वार्टाइल डेविएशन का ना, क्वार्टाइल डेविएशन की जो वैल्यू होती है सर वो कितनी होती है? सर वो होती है Q3 - Q1/2, यही होती है बेटा। अब क्वार्टाइल डेविएशन आपको दिया है 8, ठीक, और Q3 की वैल्यू मुझे पता नहीं है लेकिन Q1 की वैल्यू 104/2, तो क्या मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? हाँ सर, क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा ये 16 = Q3 - 104। तो Q3 को बोल सकता हूँ मैं 16 + 104, इट इज 120। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, 120 होगा। ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 120, जिसको हमने सॉल्व आउट किया और सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, विच इज द क्विकेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन टू कंप्यूट। सबसे फास्ट आप कौन सा निकालेंगे, सबसे तेजी से आप कौन सा क्वार्टाइल डेविएशन, सॉरी कौन सा डिस्पर्जन निकाल सकते हैं? मीन डेविएशन, रेंज, वेरियंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ रेंज या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज? चलिए कौन सा फास्ट निकाल सकते हैं आप? तो देखो सबसे फास्ट हमारे क्या निकलेगा, रेंज ही निकलेगा, ठीक है ना। सबसे फास्ट आप क्या निकाल सकते हैं सर? रेंज निकाल सकते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो सबसे फास्ट हमारा क्या निकलेगा, रेंज निकलेगा। ठीक है जी, तो फास्टेस्ट आइटम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, द सेंट्रल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज डाटा आर ओनली बेस्ड ऑन द 50% ऑफ डाटा, द सेंट्रल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन डाटा सेट आर ओनली बेस ऑन दी मेजर ऑफ डिस्पर्जन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर ऑल ऑफ दीज। बात हो रही है बेटा 50% की, कितने की बात हो रही है, 50% की बात हो रही है। तो क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर है या मीन डेविएशन है या स्टैंडर्ड डेविएशन है या फिर ये सारे, द सेंट्रल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन डाटा सेट आर ओनली बेस ऑन दी मेजर ऑफ डिस्पर्जन, 50% की बात कर रहा है। चलिए चलिए तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, क्वार्टाइल डेविएशन। अब आपने अभी क्वार्टाइल डेविएशन का पीछे ही क्वेश्चन देखा हमने, क्यूडी इज इक्वल टू क्या था, Q3 - Q1, और जब बेटा किस चीज को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, जो उसके दो भागों में बांट रहे हैं, तो दो भागों में बांटने का मतलब क्या है 50%, दो भागों में बांटने का मतलब क्या है 50%, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 50% हो जाएगी। क्लियर है बात? चलिए हमेशा ध्यान रखना एब्सोल्यूट और रिलेटिव का। क्वेश्चन नंबर 33, विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज अप्रोप्रिएट टू कंपेयर टू डिफरेंट सीरीज,
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मीन डेविएशन, वेरियंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, दो सीरीज को हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर किस में करते हैं बताइए? तो यहां पे बेटा हमारा आंसर क्या होगा, कंपेयरिंग जब भी करेंगे तो हम उसके लिए सीवी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सीवी, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन। अब कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन जब आप निकालते हैं ना, तो दो चीजों का ध्यान रखते हैं हमको, ठीक है? एक होती है कंसिस्टेंसी और एक होती है बेटा वेरिएबिलिटी। क्या होती है? कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी। मान लो हमारे पास एक डाटा एक्स है और एक डाटा बेटा क्या है, वाई। अब अगर इन दोनों डाटा में, अगर इन दोनों डाटा में जिसका सीवी यानी कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन यानी विचरण का गुणांक ज्यादा होगा, विचरण का गुणांक ज्यादा होगा, वही उसी का सीवी क्या होगा, वही डाटा वेरिएबल ज्यादा होगा, ठीक है? क्या होगा बेटा? वही डाटा ज्यादा वेरिएशन करेगा, अप डाउन अप डाउन, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। और अगर कोई डाटा कम वेरिएशन में है, उसकी वेरिएशन सीवी क्या है बेटा, लो है, उसका सीवी क्या है, कम है, ठीक है? अगर उसका सीवी कम है तो इसका मतलब क्या है, वो कंसिस्टेंट ज्यादा होगा। वो क्या होगा? कंसिस्टेंस। जैसे कि आप देखते हैं क्रिकेट मैच में बहुत से खिलाड़ी क्या होते हैं, बहुत आते हैं फाथड़ा धड़ा धड़ा, काम खत्म, ठीक है? तो उनकी वेरिएबिलिटी तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन क्या वो लंबे समय तक टिक पाते हैं? नहीं सर, ठीक है? तो उनकी वेरिएबिलिटी ज्यादा थी तो वो उनका सीवी क्या था, हाई था। लेकिन जिसका सीवी लो होगा वो कंसिस्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब कंपैरिजन की बात आएगी तो वहां पे आंसर क्या होगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका ध्यान रखना, इसमें कंपनीज के प्रॉफिट, कंपनीज की सेल्स, हम किसी का भी डाटा कंपेयर कर सकते, ठीक है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, ठीक है गाइस? यहां तक बात समझ आती है या नहीं आती है बताएं? यहां तक बड़ा बात समझ आ रही है सभी को? चलिए, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स, ठीक। फिफ्टी नेचुरल नंबर्स का मुझे निकाल के दिखाएं, एक सेकेंड। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? तो यहाँ पे बेटा एन नेचुरल नंबर का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। एन नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या होगा इसका आंसर? तो बेटा जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं एन नेचुरल नंबर का, तो यहाँ फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस वन बाई ट्वेल्व, ठीक। सॉरी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस वन।
तो बेटा यहाँ पे एन नंबर कितने आपके 50 का स्क्वायर माइनस वन अपॉन में 12, ठीक है, 50 का स्क्वायर माइनस 12 अपॉन में 1, इसको डिवाइड कर देना, 2499 आएगा और उसका स्क्वायर रूट निकालें, 12 दुनी 24, 0। ठीक बेटा, अब ये 208 है और 208 के अराउंड स्क्वायर रूट क्या होगा बताएं? तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए 14.43। क्या होना चाहिए? 14.43 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। फाइंड द रिजल्ट ऑफ डेविएशन, फाइंड द रिजल्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम फॉलोइंग सैम्पलिंग डाटा। ठीक है, एक सैंपल डाटा गिवन है आपको 8, 4, 6, 2, 12 और 10। ठीक, इस डाटा से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। ठीक, आप स्टैंडर्ड डेविएशन आप किस मेथड से निकालेंगे? संगीता जी एकदम करेक्ट आंसर था आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। फाइंड द रिजल्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सैंपल डाटा 8, 4, 6, 2, 12 और 10 आपको गिवन है। अब यहाँ पे आप देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन करके निकाल लें या तो आप, ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एक्स माइनस एक्स बार करते हैं और फिर उस एक्स का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो पहले बेटा इसका आप मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। तो ऐड कर दीजिए, बताइए कितना आता है अमाउंट। ठीक, और अगर आप इसको एज्यूम मीन से निकालना चाहते हैं तो आप एज्यूम मीन से निकाल लें। एक सेकंड रुकना जरा, 8, 6, 8, 4, 6, 2, आठ चार छः दो 12 और 10। ठीक, अब आप चाहें तो आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा, एक फॉर्मूला आपके पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो होता है ये एज्यूम मीन से है और दूसरा फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैं सीधा एज्यूम मीन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको 6 ले लें, तो यहाँ पे आपकी बेटा डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स माइनस ए, और हम निकाल लेंगे फिर क्या डी का स्क्वायर, तो 0 माइनस 4, 2 माइनस 4, 6 और 4, डी का स्क्वायर 4, 16, 0, 4, 36 और 16। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, गुड इवनिंग ममता जी, माइनस माइनस तो गया बेटा आपका, 6, 4, 10, तो सिग्मा डी आपका बचेगा 8, अब 20 और 20, 40 और 30, ये बचेगा आपका 76। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए इसे अंडर रूट
सिग्मा डी स्क्वायर 76 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस 8/6 ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना 12.66 समथिंग आएगा। आएगा आपका 1.3 का स्क्वायर। ठीक, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 10 पॉइंट समथिंग बचेगा। ठीक है, 12.6 माइनस 1.69, तो ये रूट 10 समथिंग बचेगा और इसका आएगा आपका 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 3.42। ठीक, चलिए क्वेश्चन लंबा हो गया, ये क्वेश्चन लंबा हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब आप सॉल्व करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 विच सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हैज द मिनिमम वेरिएशन। अब यहाँ पे बेटा मिनिमम वेरिएशन की बात कर रहा है, तो जब कभी अगर मिनिमम वेरिएशन की बात करें तो मिनिमम वेरिएशन में यहाँ देखने, देखो यहाँ पे वेरिएशन आपको नजर आ रहा होगा, एक मिनट में आपको यहाँ वेरिएशन नजर आ रहा होगा 10 10 10 10। यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा आपका वेरिएशन कितना चल रहा है 2 का, यहाँ वेरिएशन चल रहा है बेटा कितने का 1 का, फिर यहाँ पे वेरिएशन कितने का है 10 का। तो जहाँ पे 1 का वेरिएशन है तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है जी, डन है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, विच मेथड आर यूज टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आप कौन सा मेथड लगाते हैं, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, या फिर बड़ा शॉर्टकट मेथड, या फिर ये सभी, स्टेप डेविएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, या फिर ऑल ऑफ दिस। कौन सा मेथड आप यहां पे यूज करते हैं, तो अभी आपने देखा बेटा मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा था ये कैसे करके, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट स्क्वायर अपॉन में एन। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको लगाया अभी क्या, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन का, ठीक है, होल स्क्वायर। ये दोनों बेटा, ये वाला डायरेक्ट मेथड था, ये वाला बेटा क्या था, शॉर्टकट मेथड था, और इसके आगे एक मेथड और होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये तीनों मेथड ही स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए किए जाते हैं, ये तीनों मेथड ही स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पे सभी आंसर क्या है आपके, करेक्ट हैं। ठीक है, सारे आंसर आएंगे इसमें। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38, इन विच सीरीज फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द रेंज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ओपन एंड सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, या फिर अनइक्वल क्लास इंटरवल, या फिर बेटा क्या बोल सकते हैं, अनइक्वल क्लास इंटरवल। इन विच सीरीज, ठीक है, ऐसी कौन सी श्रेणी है जिसमें कि हम प्रास को नहीं निकाल सकते, प्रास को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है आपकी, इंक्लूसिव 1 to 10, 11 to 20 सर निकाल सकते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज 10 to 20, ठीक है 20 to 30, 30 to 40 सर निकाल सकते हैं, अनइक्वल सीरीज 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50, 50 से 80, 80 से 90 सर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओपन एंड सीरीज में ऐसा कुछ नहीं होता, ओपन एंड सीरीज में ऐसा कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओपन एंड सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा बेटा, ओपन एंड सीरीज, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है जी, चलिए फिर है बेटा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 विच वन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन, बहुत कम जो यूज किया जा रहा है, मोस्ट सबसे व्यापक रूप से जो इस्तेमाल किया जाता है, मोस्टली वाइडली यूज में, वो कौन सा है? मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, या क्वार्टाइल डेविएशन है, या वेरियंस है? संगीत जी, ठीक है बेटा। विच वन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन? चलिए ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं सबसे व्यापक रूप में, वो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मानक विचलन। ठीक है, आती बात समझ, क्या करेंगे बेटा से? स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, 45, 52, 65 आर द वेरिएबल क्वार्टाइल्स रिस्पेक्टिवली, फाइंड द क्वार्टाइल क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ दिस वेरिएबल। ठीक है, इसका क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है आपको, तो QD कैसे निकालेंगे? QD QD के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? Q3 चाहिए, Q1 चाहिए और अपॉन में 2 चाहिए। अब ये तीन डाटा आपको दिए हुए हैं, 45, 52 और 65। ठीक जी, तो N कितने बेटा? 30। अब Q3 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 3 N-1 अपॉन में 4, और Q1 की वैल्यू क्या होती है बेटा? N-1 अपॉन में 4, यही होती है। चलिए प्लस होता है माइनस में होता। ठीक है, तो एन कितने बड़ा आपके पास? एन है आपके पास 3 प्लस 1 बाय 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा, 4 से 4 कट गया तो 3। ठीक है, तो Q3 की वैल्यू कितनी हो गई? थर्ड टर्म, तो Q3 की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 65। ठीक है, अगर 1 निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म कितनी आएगी? 45। ये तरीका था, अदरवाइज हम डायरेक्ट ही निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे आप पुट कर दें, QD इज इक्वल टू 65 माइनस 45 अपॉन में 2, ये आ गया आपका कितना? 20 डिवाइडेड बाई 2 10। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। वेरी गुड संगीता जी, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में बेटा 40 क्वेश्चन तक ही छोड़ते हैं, फिर बाकी करेंगे हम कब? नेक्स्ट क्लास में। अब इसकी नेक्स्ट सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो। ठीक है, अदरवाइज मिलते रहेंगे आपसे। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।